शहपुरा थाना अंतर्गत राजपूत परिवार के साथ कुछ लोगों के द्वारा घर में घुसकर तोड़फोड़ कर मारपीट की गई और फायरिंग भी कर दी गई, जिसकी शिकायत शहपुरा थाने में की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता का आरोप है कि शहपुरा पुलिस पीड़ित परिवार के विरुद्ध भी कार्रवाई कर दी है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई और वे खुलेआम घूम रहे हैं। आज इसी बात की शिकायत लेकर राजपूत परिवार की महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अपना आवेदन सौंपते हुए उचित व निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। आवाज आ रही है, जिसके कारण झगड़ा हुआ। झगड़े से लेकर मेरे घर में सल्लू, सुरजीत, अनंत और टिंकल और भी थे एक दो लोग, तो घर में आकर इनने मेरा दरवाजा तोड़ा, गेट तोड़ा और अंदर घुस गए। मैं घर में फायरिंग की बाहर कारतूस मिले हैं, पुलिस उठा के ले गई है। फायरिंग के बाद फिर इन लोगों ने घर का पूरा सामान तोड़ा और मुझे गाली दी, मांधर जो तू चुप रहे, नहीं तो तुझे मैं जान से मार डालूंगी, तेरे बच्चे को जान से मार डालूंगी, तेरे पति को जान से मार डालूंगी, तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या विवाद था आप लोगों का? विवाद ये था कि मेरे बच्चे की गाड़ी में उन लोगों ने कट मारा था। कट के कारण इन लोगों ने मेरे बच्चे को, मेरे भाई के लड़के को गोली मार दी। गोली मार के ले गए नर्मदा में फेंक दिए। नर्मदा में वहाँ से उसने फ़ोन लगाया कि बुआ मुझको इन लोगों ने गोली मार दी। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया कुछ लड़कों को, तो एम्बुलेंस गई, वहाँ से मेरे भतीजे को उठा के लाए भी लोग। कौन लोग हैं ये? रमेश सिंह के लड़के थे, उन लोग ने किया। क्यों मारा? नेता है सर, नेता है, बोलते पैसे वाले। क्या घर में घुस करके मारपीट करेंगे? मारपीट किए सर, पूरा सामान तोड़ दिए, एसी, फ्रिज, कूलर कुछ नहीं बचा सर। आप थाने गई थी इसकी शिकायत करने? गए थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा हमारा कुछ नहीं लिखा सर, बस थोड़ा ही थोड़ा लिखा है, ज्यादा कुछ उसकी। अभी तक आरोपियों की कोई गिरफ्तारी वगैरह हो पाई? नहीं, उन लोग गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन हमारे यहाँ हमारे पति को और जिसको गोली लगी, हमारे बच्चे को, उसको अंदर कर दिया, और हमारा छोटा लड़का है वो बेकसूर, जो तीनों बेकसूर गए हैं अंदर। पुलिस ने किया है? कोई विवाद तो नहीं। कौन सा थाना है ये? सैपरा थाना। आप कहाँ के रहने वाले? हम लोग खूंटा के रहने वाले, सैपरा में रहते हैं। सैपुरा में कौन से गांव में रहते हैं? एक नंबर वार्ड बेहरू माता। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? जी नहीं। अभी आप कहाँ आई हैं? अभी एस पी ऑफिस आए हैं।